मैं विनोद चौधरी, वीके सी मैथ सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन एक्सरसाइज सेकंड का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज सेकंड का करेंगे 2.2। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो है उसके जो दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, चौथा और पांचवा क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को अपन लेंगे। तो चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें हेडिंग वाले क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली आपको नहीं बताया हुआ है कि एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है या एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आपको खुद को यहाँ पे मालूम करना होगा ये कि इस क्वेश्चन में आंसर है वो एलसीएम से आएगा या एचसीएफ से आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज एलसीएम और एचसीएफ वाली है। तो यहाँ पर या तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा या एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देर आर ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, रमन टैक्स 18 मिनट टू कंप्लीट वन अराउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ वेल अनुप्रिय टैक्स 12 मिनट फॉर द सेम, सपोज बोथ ऑफ देम फॉर द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रमन और अनुप्रिया ये दो जने हैं वो एक वर्ताकार मैदान, ये वर्ताकार जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, इस वर्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही दिशा में और एक ही समय पे दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो सपोज करो यहाँ इस ए पॉइंट से रमन और अनुप्रिया ने दौड़ना प्रारंभ किया, तो रमन को तो जैसे यहाँ इस पॉइंट से उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया तो ये वापिस घूम करके यहाँ इसी पॉइंट पर आए, तो रमन को तो लगता है 18 मिनट एक चक्कर पूरा करने में और अनुप्रिया को लगता है 12 मिनट एक चक्कर पूरा करने में, यानी वापिस ए बिंदु पर आने में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बताइए कि जो रमन और अनुप्रिया है ये दोनों वापिस ए बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। भी ऐसे तो उनमें क्रॉसिंग होती रहेगी बहुत सारी जगह पर, लेकिन उनका जो मिलना है वो वापिस उसी बिंदु पर जहां से उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया है, तो इसी बिंदु पर ये कितने समय बाद मिलेंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अगर यहाँ पर आप एचसीएफ निकालते हो तो एचसीएफ निकालोगे तो 12 और 18 का एचसीएफ तो आएगा 6, अगर आप निकालोगे तो 12 और 18 का जब मैसे पे निकालोगे तो 6 आएगा, तो इसका मैसे पे तो हो गया 6, और अगर आप 12 और 18 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 36। ये अपन निकालेंगे भी फैक्टर मेथड से, तो या तो ये 6 मिनट बाद मिलेंगे या ये 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो 6 मिनट बाद मिलेंगे या 36 मिनट बाद मिलेंगे वो अपने को देखना है। तो देखिए अगर ये 6 मिनट बाद मिलते तो 6 मिनट में क्यों रमन को 18 मिनट लग रहा है पूरा ए से ए बिंदु तक वापस आने में, तो 6 मिनट में तो ये 18 मिनट है तो 6 मिनट में तो इस पूरे रेस का तीसरा हिस्सा ही होगा। तो सपोज करो यहाँ पर होगा तो इस बिंदु पर कौन होगा, रमन होगा। तो इस बिंदु के ऊपर यहाँ पे रमन, क्योंकि यहाँ ये पूरा जो राउंड है इसका तीसरा हिस्सा होगा, क्योंकि 18 मिनट लग रहा है तो 18 मिनट और यहाँ पे मैसे पे जो आ रहा है वो आ रहा है 6, तो रमन को 6 मिनट में यहाँ इस बिंदु तक पहुँच पाएंगे। अब अनुप्रिया है, अनुप्रिया को 12 मिनट लग रहा है, तो 12 मिनट यानी 6 मिनट में आधी दौड़ उसने पूरी कर ली है, तो 6 मिनट में यहाँ है तो ये हाफ सर्कल जैसे यहाँ पर होता है तो अनुप्रिया वो यहाँ पे होगी इस बिंदु पे। तो 6 मिनट में तो दोनों वापिस एक राउंड पूरा ही नहीं कर पाए, क्योंकि उसने कहा है कि 6 मिनट में दोनों वापिस उसी बिंदु पे मिलने चाहिए, तो 6 मिनट में तो दोनों नहीं मिलेंगे, क्योंकि 6 मिनट में तो उन्होंने इस वर्ताकार जो मैदान है इसका एक चक्कर भी पूरा नहीं किया। रमन है वो अनुप्रिया से पीछे होगी, क्योंकि रमन को ज़्यादा टाइम लग रहा है और अनुप्रिया को कम टाइम लग रहा है, तो जिसको ज़्यादा टाइम लगता है उसकी दौड़ है वो लेट होगी तो वो पीछे रहेगा, और अनुप्रिया को 12 मिनट लग रहा है तो ये इसे 6 मिनट पहले चक्कर है वो पूरा करेगी। तो इन दोनों के बीच में तो ये डिफरेंस रहेगा, यानी दोनों इसी बिंदु पर नहीं मिल पाए।
तो 36 मिनट में, क्या ये 36 मिनट में मिलेंगे? तो अनुप्रिया है वो 36 मिनट में, अनुप्रिया 12 मिनट लगा रही है तो 36 मिनट में 12 थी 36, यानी अनुप्रिया ऐसे घूम करके इस ये पॉइंट जैसे पी मान लो, ये तो अपने यहाँ ले लिया तो ये पी है, तो अनुप्रिया तो यहाँ से घूम करके 12 मिनट, दूसरा 12 मिनट और ये तीसरा 12 मिनट, यानी 36 मिनट में तीन चक्कर पूरा कर लेगी, क्योंकि 12 मिनट एक में लग रहे हैं तो 36 मिनट में तीन चक्कर हो गए। और रमन को 18 मिनट लग रहे हैं तो एक 18 मिनट में हो गया चक्कर, दूसरा हो गया 36 मिनट में पूरा, तो रमन है वो 36 मिनट में दो चक्कर पूरा कर पाएगी, और दोनों वापिस किस बिंदु पर मिल रहे हैं, इस पी बिंदु पर ही आकर मिल जाएंगे। तो यहां पर अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, न कि एचसीएफ, क्योंकि 6 मिनट में तो ये एक चक्कर ही पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन में पता लगाना है भी आप इसमें एलसीएम निकालोगे या एचसीएफ निकालोगे। तो यहां पे एचसीएफ अगर निकालोगे तो 6 मिनट में तो उनका एक राउंड ही पूरा नहीं होगा, 36 मिनट के अंदर दोनों वापिस उसी बिंदु पर आके मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी हेडिंग वाइज इस क्वेश्चन को। तो इसमें दिया हुआ था कि जो रमन टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ, तो ये हेडिंग आपको यहां पे एज इट इज लिखनी है कि रमन टेक्स टाइम टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो रमन को कितना टाइम लग रहा है, रमन को लग रहा है 18 मिनट। हिंदी मीडियम में लिख देंगे कि रमन को वर्ताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है बराबर 18 मिनट। ये सेम की सेम हेडिंग रिपीट है वो अनुप्रिया के लिए होगी, तो अनुप्रिया इस रमन की जगह अनुप्रिया आ गया, बाकी पूरी हेडिंग ये सेम लिखने के बाद अनुप्रिया को कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट। अब आपने यह मालूम कर लिया कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, तो यहां पे आपको एलसीएम निकालना है क्योंकि एलसीएम है उसके बराबर ही वो एक चक्र पूरा करने में समय लेंगे। तो आप 12 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 का आप एलसीएम निकालोगे, फैक्टर मेथड से निकाल लोगे, तो आप इस 12 के जब आप गुणनखंड करोगे तो 12 में 2 की घात तो होगी 2 और 3 की घात होगी वो 1, और 18 के अंदर 2 की घात होगी 1, क्योंकि 2 का भाग देने पर 9 आएगा, फिर 9 में 3 का दो बार भाग जाएगा तो 3 की घात कितनी होगी 2। तो ये 12 और 18 के आपने गुणनखंड कर लिए, आप चाहो तो वैसे कर सकते हो कॉलम बना करके इसका। तो 12 और 18 का गुणनखंड करने के बाद आप इनका एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम में आप ज्यादा घात वाला लेते हो तो यहां पर मैक्सिमम 2 की दोनों में, इसमें 2 और इसमें 1 है, तो यहां 2 की घात कितनी होगी 2 होगी, ज्यादा 3 की इसमें 1 और इसमें 2 है तो 3 की ज्यादा घात कौन सी होगी 2, तो 2 की घात 2 कितनी होती है 4, 3 की घात 2 कितनी होती है 9, तो 9 का 4 से करेंगे तो कितना आ गया ये 36 आ गया। तो 36 उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो उसने यहाँ पे पूछा था आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, तो हाउ मेनी की जगह वो आप कितना लिख दोगे 36, तो आफ्टर 36 मिनट विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, तो 36 मिनट बाद दोनों है वापिस उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो ये हेडिंग अपन लिख देंगे, आफ्टर 36 मिनट विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो 36 मिनट बाद है वो दोनों वापिस उसी स्थान पर मिलेंगे। तो ये था क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन है वो दो नंबर में पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के, ये दो क्वेश्चन है हेडिंग वाले, चौथा और पांचवा क्वेश्चन।
तो चलिए अपन आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग इन ईच रूम देन फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक संगोष्ठी जो होती है प्रतियोगिता, इसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी और गणित इन तीनों विषयों के 60, 84 और 108 विद्यार्थी है वो भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर इक्वल नंबर यानी जो संख्या है वो बराबर पार्टिसिपेंट्स जो भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं उनकी, और एक ही सब्जेक्ट के एक कमरे में बैठेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि एक कमरे में ही हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स वाले बैठ जाएं, तो एक कमरे के अंदर या तो हिंदी वाले बैठेंगे या इंग्लिश वाले बैठेंगे या मैथ वाले बैठेंगे, तो एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट के विद्यार्थी बैठेंगे और बराबर संख्या में बैठेंगे। सारों कमरों में जैसे 10 कमरे हैं, 6-6 जने बैठ रहे हैं तो 60 जने हो गए। तो प्रत्येक कमरे में संख्या भी बराबर रहेगी और एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट के विद्यार्थी बैठेंगे। तो आपको यहाँ बताना है लिस्ट नंबर यानी कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी उन विद्यार्थियों को बिठाने के लिए। तो आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। तो अब आपको सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि एक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो वो संख्या 60, 84 और 108 से ही आप ज्ञात कर सकते हो। तो अगर आप इसका एलसीएम या एचसीएम कौन फाइंड आउट करोगे इन दोनों में से, तो देखिए अगर आप इसका एलसीएम निकालते हो तो 60, 84 और 108 का एलसीएम बहुत बड़ी संख्या आएगी, एक जिसका इन तीनों में ही भाग जाए वो संख्या आएगी। तो एक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि इतने तो टोटल विद्यार्थी भी नहीं होंगे। अगर आप तीनों को जोड़ते हो तो उतने सारे विद्यार्थी नहीं होंगे जितने अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे, तो उतने एक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो फिर इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, एचसीएफ। तो इसका आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो 60, 84 और 108 में कॉमन फैक्टर कौन होगा, 12 होगा। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 12 होगा। यानी एक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो 12 जने एक कमरे में और एक ही सब्जेक्ट के बैठेंगे। तो जैसे स्टार्टिंग के जो कमरे हैं मान लो हिंदी वाले, तो हिंदी वाले जो विद्यार्थी कितने हैं, 60। तो एक कमरे में 12 जने बैठ रहे हैं, तो 60 जनों के लिए कितने कमरे हो गए, 12 × 5 = 60, 5 कमरे हो गए। और 84 जनों के लिए 12 × 7 = 84 कितने कमरे हो गए, 7 हो गए। अब 108 जनों के लिए 12 × 108 तो कितने कमरे चाहिएंगे, 9 कमरे चाहिएंगे। तो इतने कमरे उन विद्यार्थियों को बिठाने के लिए चाहिएंगे अपने को। तो ये कितने कमरे होंगे, 5 और 7 = 12, 12 और 9 = 21। यानी उन सभी विद्यार्थियों को बिठाने के लिए अपने को 21 कमरे चाहिएंगे। तो आपने सबसे पहले ये मालूम कर लिया यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। तो आपने मालूम करने के बाद ये पता चला कि आपको यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालना होगा, एचसीएफ से ही क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि एलसीएम है वो बहुत बड़ी संख्या आएगी और उतने जने हैं वो एक कमरे में सीटिंग उनकी नहीं हो सकती है। तो एचसीएफ आने के बाद इन तीनों सब्जेक्ट वाले जो विद्यार्थी है उनको कितने कितने कमरे चाहिएंगे, तो उसके हिसाब से अपन ने ये कमरे निकाल लिए 5, 7 और 9। तो सभी कमरों की बतानी है इसको कि कितनी रिक्वायरमेंट है तीनों सब्जेक्ट के लिए। तो तीनों सब्जेक्ट के लिए 21 कमरे चाहिएंगे, तो इसका आंसर हो गया 21। तो इसको अपने हेडिंग से कैसे करेंगे, तो चलिए देखो। तो इन सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, पहले हिंदी वाले लिख दीजिए, फिर इंग्लिश वाले लिख दीजिए और फिर मैथ वाले लिख दीजिए। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि एक संगोष्ठी में हिंदी सब्जेक्ट या हिंदी विषय के विद्यार्थियों की संख्या, फिर लिख दोगे गणित अंग्रेजी विषय के विद्यार्थियों की संख्या, और तीन नंबर पर गणित विषय के विद्यार्थियों की संख्या। तो इन ए सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, अब हिंदी में कितने हैं
उसने रिस्पेक्टिवली बोला है यहाँ पे, तो पहला हिंदी का है तो ये 60 तो हिंदी का हो गया। हिंदी मीनिंग वाले क्या लिखेंगे कि संगोष्ठी में हिंदी विषय के विद्यार्थियों की संख्या, ये लाइन हो जाएगी। ये सेम लाइन रिपीट होगी और इस हिंदी के बाद में आगे कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले कितने हैं 84। ये पूरी की पूरी अगेन सेम लाइन रिपीट होगी और तीन नंबर पे जो होगा वो कौन सा होगा, मैथ, तो मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे 108। अब आपने यहाँ पे मालूम कर लिया कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ, तो आपको एचसीएफ निकालना है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि 60, 84 और जो 108 है इनका क्या निकाल रहे हो आप एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108, तो आपको इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ अपने को फैक्टर मेथड से निकालना है, तो ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कर रखा है तो सेम वही करना है। अदरवाइज आप चाहो तो इसके डायरेक्टली आप इनको पावर के फॉर्म में लिख सकते हो, तो 60 और 2 से डिविजिबल होगा तो ये 30 आएगा। अब 30 के अंदर 2 का भाग जाएगा तो 15 आएगा, 15 में 3 का भाग जाएगा तो 5 आएगा, 5 में 5 का भाग जाएगा तो 1 आएगा। तो जो 60 है उसके क्या गुणनखंड, क्या फैक्टर हो गए, 2 की जो घात है वो 2 है और 3 की घात 1 है, 5 की घात 1, तो ये हो गए 60 के फैक्टर। तो मैं दोनों क्लासों को थोड़ा मिक्स ही बोल रहा हूँ जिसे दोनों क्लासों को ही एक साथ समझ में आ जाए, उनको दोनों को ही परेशानी नहीं हो। 84 है तो ये आप 2 से भाग दोगे इसके अंदर, तो 8 में 4 बार गया और 4 में 2 बार गया तो 42 आ गया, 42 में 2 का भाग दोगे तो 21 दूनी 42 होता है, 21 में 3 का भाग जाएगा तो 7 आ गया, 7 में 7 का ही भाग जाएगा तो 1 आ गया। तो 84 है इसके क्या फैक्टर हो गए, 2 की घात 2 है, 3 की घात 1 और 7 की घात 1 है। 108 है तो 108 में 2 का भाग दोगे तो 10 में 5 बार चला गया, 8 में 4 बार, 54 के अंदर 2 का भाग दोगे तो 5 में 2 बार 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचेगा 2 सते 14, 27 आ गया, 27 में 3 का ही भाग जाएगा तो 9 आ गया, 9 में 3 का भाग जाएगा तो 3 आ गया, 3 में 3 का ही भाग होगा तो कितना आ गया 1। तो इसके फैक्टर हो गए 108 के जो है वो फैक्टर हो गए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो ये इन तीनों संख्याओं के आपने गुणनखंड कर लिए। अब आपको इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में अपन क्या ढूंढते हैं, कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, तो कॉमन इन तीनों में कौन है, 2 है वो इन तीनों में, 3 भी इन तीनों में है और इनकी कम से कम घात पावर वाला अपन ढूंढते हैं। तो एचसीएफ इनका कितना आएगा, देखो 2 इन तीनों में है और इसमें 2 घात है, इसमें 2 और इसमें 2 है तो तीनों में सेम ही है, तो 2 की घात ये कितनी ले लेंगे अपन, 2, 2 की पावर 2, 3 है वो 1 है, इसमें 1 है इसमें 3 टाइम्स है तो कम घात वाला लेंगे तो 3 की पावर हो गई ये 1, तो कितना हो गया 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया ये 12। तो ये 12 इसका एचसीएफ आ गया, यानी ईच रूम के अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट आप कर रहे हो तो प्रत्येक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या आई है ये भी, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स सिटिंग इन ईच रूम, प्रत्येक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई है, 12 आ गई है। अब आप अगर इन तीनों में अलग अलग रूमों की संख्या निकालोगे तो 3 लाइन और आ जाएगी, क्योंकि आप पहले आप हिंदी विषय के लिए निकालोगे 60 में भाग दोगे 12 का, फिर अंग्रेजी के लिए निकालोगे, फिर गणित के लिए निकालोगे, तो ये आप बेसिक कंसेप्ट जानते हो कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी बटा मान लो डी हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए बटा डी प्लस बी बटा डी प्लस सी बटा डी। तो अगर आप इसको अलग निकालोगे तो ये कंडीशन आएगी, इन तीनों का निकाल के फिर जोड़ करना पड़ेगा। आप चाहो तो इन तीनों को एक साथ ही सोल्व कर सकते हो, ए बी सी तीनों को जोड़ो और फिर उसमें जो 12 का भाग दे दो, तो ए बी सी की जगह कौन है 60, 84 और 108 है, और डी की जगह कौन है
डी की जगह है 12। तो आप अलग अलग 12 का भाग दोगे तीनों में तो आपके पास 3 लाइनें और आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करने के लिए इसमें ये वाला अपन आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो नंबर ऑफ लिस्ट नंबर यानी कम से कम लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम, तो कम से कम कमरों की आवश्यकता। अब कितने कमरों की आवश्यकता होगी कि आप इन तीनों को जोड़ दीजिएगा। तीनों कौन कौन सी संख्या थी, 60, 84 और 108। इन तीनों को जोड़ दोगे और प्रत्येक कमरे में बैठने वाले कितने विद्यार्थी है, 12 है। तो ये कमरों की न्यूनतम संख्या है वो आ जाएगी। तो आप इसमें हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे न्यूनतम कमरों की संख्या, और ऊपर वाली लाइन को लिख दोगे प्रत्येक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो इन तीनों को आप जोड़ोगे तो 252 आएगा। तीनों का जोड़ 252 में 12 का भाग दोगे तो 25 में 12 दूनी 24 हो गया, एक बचेगा, फिर आगे दो है तो 12 बन जाएगा, तो 12 एकम 12, तो कितने कमरे हो गए, 21 कमरे हो गए। तो ये 21 रूम्स है ये, तो यहाँ पर आपको 21 कमरों की आवश्यकता होगी। और ये 12 क्या है, रूम नहीं है, ये 12 क्या है, स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट है जो एक कमरे में बैठ रहे हैं। तो ये थी एक्सरसाइज 2.2। तो अपन अब शुरू करते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।